नमस्ते भाई, आज हैं हमारे साथ दा प्रिंस त्यागी, और मैं दे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इनकी एसएससी सीजल 2023 के थ्रू जो रैंक आई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे देश में बहुत सारे हज़ारों लाखों युवा जो हैं ऐसी रैंक हासिल करके अपनी ड्रीम पोस्ट को, अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं। भाई की ऑल इंडिया रैंक है 2, पूरे भारत में 2 रैंक है इनकी, और मेरे हिसाब से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10 या टॉप 100 तक भी कोई फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत लक का या इंस्टेंट वहाँ पे फ़र्क आ जाता है, अदरवाइज सभी का जो है लेवल लगभग सेम होता है, क्योंकि तभी ये टॉप 1 से लेकर टॉप 100 तक पहुँच पाते हैं। तो आजकल स्टूडेंट्स, पहले तो नहीं था, केवल यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेते हैं जो बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सीधा यूट्यूब से पढ़ना शुरू करते हैं, वो टीचर की भसड़ में रह जाते हैं, दिस इज़ बेस्ट, और वो कंटेंट ही फिल्टर नहीं कर पाते मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पे जाकर रुक जाना है, और मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी से करके भी कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, और उन्होंने किस किस सोर्स से तैयारी करी, और क्या इनका तरीका रहा जो इतनी अच्छी रैंक इनको मिली है, ये पूरी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में आ रहे हैं, चाहे वो सीजल के हों, सीएसएल के हों, सीपीयू के, एमटीएस को या अदर किसी एग्जाम, वन डे एग्ज़ाम के, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही जो है नॉलेज देने वाली होगी। सबसे पहले बताओ कि आपको पोस्ट मिली एएसओ इन एमईए, टॉपर की फर्स्ट चॉइस क्यों है, ऐसा क्या है इस पोस्ट में? सर मोस्टली तो ये होता है कि दिल्ली में पोस्टिंग होती है, ज़्यादा लोग नॉर्दर्न साइड के होते हैं तो घर के पास रहने के लिए दिल्ली प्रेफर करते हैं, और अब दिल्ली से बाहर जाना तो सीधा इंडिया से ही बाहर जाएंगे, तो एमईए में ये भी होता है, तो इसलिए मोस्टली एमईए को प्रेफर करते हैं। फिर सीएसएस होता है, हाँ, तो मैंने भी सीएसएस ही भरा था सेकंड प्रेफरेंस। आपने घर वालों को बताया था कि मम्मी पापा अगर मेरी इसमें जॉब लग गई एएसओ इन एमईए तो हो सकता है मुझे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ओकेजनली बाहर जाना पड़े, विदेश में जाके रहना पड़े, तो उनका क्या था रिएक्शन, क्या था इस बात पे? सर वो तो बहुत खुश हुए थे, अच्छा, कह रहे थे कि हम तो आएंगे, अच्छा हम भी आएंगे, हम आएंगे, हम तो चलेंगे साथ में, हाँ। और फिर कहते कि बाकी रिश्तेदार भी आएंगे, मतलब जॉब लगते ही प्लानिंग होने लग स्टार्ट हो जाती है कि भाई यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि मोस्टली घर मिल जाता है बाहर, गवर्नमेंट देती है, रहने का ही होता है, तो घर वाले तो बहुत खुश हैं, और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी बहुत देती है, है वहाँ के जो फॉरेन में, आप किसी भी कंट्री में उसके टॉप हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा, इवन आपका फैमिली में भी कोई है वहाँ के टॉप स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे, इवन और भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो गवर्नमेंट देती है। जब तक आपको वहाँ पे आपका सेपरेट घर नहीं मिल जाता, आपको अगर गवर्नमेंट किसी होटल में रुकवाती तो वो वहाँ के टॉप होटल में आपको रुकवाएगी, आप कहीं विजिट करेंगे, आपकी फ़्लाइट का खर्चा, आने जाने का, ट्रेवल का, है ना, टैक्सी का अलाउंस, वो सारा गवर्नमेंट बियर करती है, तो ये अच्छी चीज़ है एमईए में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो मतलब रुझान है वो पिछले कई साल में थोड़ा कम हुआ है ऑनलाइन आने की वजह से, क्योंकि अब जितना भी वर्क है वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से के थ्रू कन्वर्सेशन होता है एक इंस्पेक्टर और एक टैक्स पेयर के बीच में। आपको कोई भी क्वेरी है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो आपको मेल करेगा, वो मेल लिखना, फिर लेटर भेजना, फिर सी से कोऑर्डिनेट करना, मतलब एक टिपिकल क्लरिकल टाइप की जॉब बन गई। इस वजह से एएसओ इन एमईए और एएसओ इन सीएसएस ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं आजकल। अच्छा, अगर आपने ये कहा कि अगर पापा वहाँ पे कोई पसंद आ गई लड़की बाहर की और वहाँ से शादी की बात होने लगी तो कोई ऑब्जेक्शन है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, हमारे में ऐसे बाहर से नहीं करते शादी। नहीं करते? नहीं सर, स्ट्रिक्ट नियम है। यस सर, इंडियन से ही करनी है। इंडियन से सर, यस। वहाँ की कोई एनआरआई पसंद आ गई तो? वो बात अलग है सर, थोड़ी एनआरआई को भी पसंद आना चाहिए क्योंकि सर एनआरआई तो मोस्टली ये होगा कि अपनी कंट्री में सेटल होते हैं, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट था ईरान में है वो, उसके साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, 2-3 दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी उससे, मुझसे सलाह ले रहा था कि सर ऐसे ऐसे, मैं क्या कहूँ घर वालों से, और वो जो है वो दूसरे रिलीजन में कि, और वो थोड़ा अलग रिलीजन में है। मैंने कहा यार तुम देख लो, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए अब हम तैयारी की बात करते हैं। सारी तैयारी सेल्फ स्टडी से करी? यस सर। कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं अकेला ही काफी हूँ? नहीं सर, ऐसा था कि मतलब 2019-20 का मैंने प्री दिया था, हाँ, मतलब बिना पढ़े गया था। अच्छा, मतलब एक भी दिन, मतलब ये बोल कि मैं उठ के सिर्फ पेपर ही देने गया हूँ, तो मेरा प्री निकल गया था। और मेंस का ये था कि मेरा क्लैश हो रहा था बाकी एग्जाम्स के साथ, तो मैंने मेंस नहीं दिया। अच्छा, तो फिर मेरा 21 में फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मैंने चश्मे के साथ डाल दी गलती से, तभी आया था ये वाला रूल।
तो फिर मैंने लास्ट अगस्त में स्टार्ट करा, तो मैंने सोचा कि बुक क्लास नोट्स देखते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है। हाँ। अगर हमारे पास कंटेंट है प्रॉपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने पूरा कंटेंट देखा पहले? हाँ, कंटेंट देखा, सिलेबस देखा, एग्जाम्स देखे कि भाई क्या क्या पूछते हैं। तो मैंने क्लास नोट्स देखे, आपके क्लास नोट्स मेरे को सबसे अच्छे लगे शॉप पे जितने भी थे। आप सीधे शॉप पे गए और बोले भैया क्लास नोट्स दिखा दो। अच्छा। तो उन्होंने दो तीन दिखाए, तो मैंने सर आपके लिए अर्थमेटिक एडवांस के दोनों एक साथ। हाँ, दोनों एक साथ। और किरण का प्रीवियस ईयर आता है और उसमें काफी कितने हजारों क्वेश्चन है, तो वो ले आया मैं। तो फिर वो मैंने वो कर दी, वो ही करी मैंने बैठ के सबसे पहले। क्लास नोट सारे? हाँ, क्लास नोट। क्लास नोट्स में लिखा हुआ आपको सब कुछ समझ में आता था? यस सर, जो नहीं आता था दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो। अगर वो बिना पढ़े भी कभी कभी होता है कि क्वेश्चन कर लो, अगर जैसे सपोज करो आपको कोई तरीका टफ लगा मेरे को, तो मैं उसे मतलब ट्राई करता हूँ कि किसी और तरीके से करके देखो, क्या पता वो मेरे को थोड़ा समझ में आ जाए। तो मेरा ये रहता कि मतलब मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मेरे को सिर्फ यही करना है, मेरे को ये होता है कि क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन। पहले स्टार्टिंग में स्पीड की थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो वो मॉक दे दे के थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हुई। अच्छा। स्टार्टिंग में स्पीड की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा, टाइम लगता था। हाँ, टाइम लगता था क्योंकि सर इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन भी अगर मेरी दीदी भी हैं वो भी कर देंगी, टाइम लगाएंगी। तो हमारे घर में यही है कि हमें आता है पर स्पीड का वही है कि इस पेपर में स्पीड चाहिए। पहले पैटर्न भी बहुत अलग था कि स्पीड चाहिए, अब थोड़ा पैटर्न अलग हो गया है। अब जैसे मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। हाँ। तो वो थोड़ा डिफरेंट फैक्टर प्ले कर देता। अच्छा, तो जैसे क्लास नोट्स में तो कैलकुलेशन का ऐसा कुछ खास लिखा भी नहीं होता। हाँ। वो तो आपने खुद से इम्प्रूव करनी है। हाँ, सर, हाँ, तो उसमें जैसे हम बैच क्लास में पढ़ाते हैं यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, है ना, सवाल के ऑप्शन दूर दूर हैं तो कर कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब चीज़ें क्लास नोट से या किसी लिखी हुई चीज़ से सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने कैसे सीखा ये सब, या जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं सर, पड़ी, जरूरत पड़ी, दो बार तीन बार चार बार पढ़ना पड़ता है। अगर जैसे आपने एक सोर्स को अगर अपना लिया तो उसे मतलब दिल से उसे ही पढ़ो। अच्छा। हाँ, मेरा मानना ही है कि फिर उसे मतलब घोट के पी जाओ, उससे आना चाहिए। अब अगर कोई मतलब कोई टॉपिक होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर यूट्यूब की तरफ थोड़ा सा यूट्यूब से देख लेते थे। हाँ, फिर यूट्यूब से देखो। अच्छा। वो डिजिटल डिजिट सम वाला जो होता है वो क्वेश्चन। हाँ, जैसे उसमें थोड़ा मेरे को एवरेज में प्रॉब्लम आया था। बाकी मैथ्स तो मतलब आपके नोट्स मतलब मोर देन इनफ थे। मतलब क्लास नोट्स इस तरीके से लिखे बनाए हुए हैं हमने कि उसके बाद प्रीवियसर आप खुद से बना लोगे। यस सर, 98-99% प्रीवियसर लग जाएंगे क्योंकि एक दो सवाल तो अटकता ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है पेपर में। वो क्लास नोट्स में भी होते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे कि आपको अटकेंगे, वो कंपलसरी मतलब होना भी चाहिए, एक दो टफ क्वेश्चन होने चाहिए कि बच्चा अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा सके, हमेशा स्कोप रहे उसके बाद की नहीं यार इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहे। एक चैप्टर खत्म किया फिर प्रीवियसर, फिर अगला चैप्टर खत्म किया फिर रिवीजन, ऐसे चलता रहा पूरा। वो रिवीजन कैसे करते थे? सर, मैं साथ साथ एक रजिस्टर रखता था। हाँ। उसमें जो आपके टफ क्वेश्चंस होते थे वो हुँ। और फॉर्मूले जो थोड़े से इम्पोर्टेंट लगते थे वो, तो वो मैं लिख लेता था फिर उसे ही रिवाइज करता था। तो और ये पूरे दोनों नोट्स खत्म करने में आपको टाइम कितना लग गया? 2-2.5 महीने के अराउंड लग गया। दो ढाई महीने में अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों? हाँ, विद प्रीवियस ईयर। हाँ सर, जैसे भाई कह रहे हैं कि मैंने 2-2.5 महीने में सारे प्रीवियस ईयर भी लगा दिए, इतनी मोटी किताब, और मैंने क्लास नोट्स भी पूरे कर लिए, तो हर बच्चा ऐसे ना सोचने लगे कि मैं भी कर लूँगा। हर बच्चे का ग्रैब करने का तरीका, चीज़ों को सीखने का, समझने का, सॉल्व करने का, उनको रिटेन रख पाने का अलग अलग होता है हर बच्चे का लेवल। इंग्लिश की तैयारी कैसे करी आपने? सर, इंग्लिश मैंने नीतू सिंह मैम की एक बुक है Volume 1। हाँ, उससे पढ़ा था। वो कैब मैं मोस्टली यूट्यूब से करता था। अच्छा, साथ साथ नोट्स भी बनाते थे आप? हाँ सर, वो कैब के नोट्स बनाए और इंग्लिश में और किसी चीज़ के नोट्स नहीं। रूल आपने कभी ढंग से पढ़े नहीं? नहीं सर, याद ही नहीं होते। तो सारी ग्रामर आपने सेल्फी तैयार कर ली? सर, रूल्स भी पढ़े हैं पर वो मेरे को मतलब कभी याद नहीं हुए उनके। आपने कोई अलग से सेपरेट नोट्स भी नहीं बनाए? बनी, जब समझ में नहीं आ रहे तो मैं उनके नोट्स कहाँ से बना पाऊंगा। हाँ, मेन दिक्कत मेरे साथ वो थी। अच्छा, जीके जीएस, फिर जीके में तो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये ज्योग्राफी हमारे जैसे इंपॉर्टेंट, और साइंस वाला पोर्शन। इसको साइंस तो आपका पहले से अच्छा होगा। हाँ सर, साइंस उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। हिस्ट्री पॉलिटी फिर कैसे तैयार करा? सर, मेन तो वो था आपका स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, वो पढ़े हैं मैंने,
पर सर उनसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा देगा वो आपको प्रीवियस ईयर और लूसेंट भी दे सकता है। अच्छा, लूसेंट में मैं कहूँगा कि पॉलिटी थोड़ी सी अब्रप्ट है, मतलब कुछ भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है और टू द पॉइंट दे रखा है। लक्ष्मीकांत में थोड़ा सा एक तरीके से आपको मतलब पूरी बड़ी पिक्चर दिखती है, ये नहीं है तो ये भी है, यहाँ से भी आ जाएगा समझ में। पर SSC के बच्चे के लक्ष्मीकांत करना बहुत टाइम लग जाता है, पर अगर आप डेली भी 10 पेज भी पढ़ोगे तो भी आपका हो जाएगा, अगर कोई अगर बच्चा सीरियस है और टाइम है। जैसे नेक्स्ट अगर आपका अभी सितंबर में है नेक्स्ट CGL, एक साल है पूरा अभी, हाँ, तो लक्ष्मीकांत कर सकते। उससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, ऐसे सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आप एक UPSC एस्पिरेंट्स भी हैं? हाँ सर, पहले था। तो UPSC की तैयारी कितना मदद करती है SSC की तैयारी में, या बिल्कुल डिफरेंट है? सर डिफरेंट तो आप एज इन सब्जेक्ट कह सकते हो, पर आपको डिसिप्लिन में आ जाते हो आप UPSC की प्रिपरेशन से। वो डिसिप्लिन आपको SSC में भी हेल्प करता है और GK में तो हेल्प करता ही है। तो आपने पढ़ाई लाइब्रेरी में जाके करी कि घर पे ही सेल्फ स्टडी करी है सारी? सर मैंने CGL 22 में लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। हाँ, तो सुबह सुबह चला जाता था मैं 7 बजे, 4 बजे घर पे आ जाता था। अच्छा। हाँ, फिर अपना बैडमिंटन खेलने जाता था। डेली खेलते थे? हाँ सर, अब भी खेल लेता हूँ मैं बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खिला लो मेरे को, मैं सब खेल लूँगा। अच्छा। हाँ, अच्छी आदत है ये तो। फिर घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। मॉक मैं सोचता था कि या तो घर पे ही आके दो, क्योंकि लाइब्रेरी में पूरा पढ़ने के लिए निकालो टाइम। मॉक आप घर पे ही आके? हाँ, घर पे बोल देता था भाई थोड़ी सी देर, 1 घंटा डिस्टर्ब मत करो, 1 घंटे में मॉक हो जाता है। फिर 10 मिनट ब्रेक लेके उसे एनालाइज कर लो कि क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं, फिर अपना खेलने में ले जाओ, फिर अपना फ्री। सही है। तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए प्री के टोटल? इस बार मैंने क्या करा कि जो 22 के प्रीवियस ईयर थे सिर्फ उनके मॉक दिए थे। अच्छा, जो 22 में पेपर की बहुत सारी शिफ्ट बनी थी, जो 40 शिफ्ट बनी थी वो 40 में से मैंने 15-20 के मॉक दिए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे इस बार 187 के अराउंड बने टीयर 1 में। फिर मींस के डेली मॉक लगाते थे आप? हाँ सर, जब मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा था लगातार 315-320, तो फीलिंग आ जाती है अंदर से कि यार इस बार तो हो ही जाएगा, या तब भी डर लगता रहता है? डर लगता है, क्योंकि 22 में भी मेरे 350 भी टच हुए मॉक में, तब भी नंबर नहीं आए। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मॉक आपका मतलब वो नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई या पत्थर पे लकीर हो गई कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, पेपर देने चाहते हैं, 2022 का और 2023 का पेपर मैथ्स का कम्प्लीटली डिफरेंट था। यस सर। और सेक्शन फर्स्ट पता है कि मेंस के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होना है, तो बच्चे ज्यादातर 2000, क्योंकि पेपर लगातार इजी आ रहा है, 20 में 21 में CHSL भी इजी है, CGL भी इजी। 2022 का पेपर कठिन नहीं था लेकिन पिछले वालों से अच्छा था। अच्छा था, ऐसे एक्सपेक्टेशन बच्चों को थी नहीं, हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि SSC कुछ ये ढंग का बनाने वाले हैं। पेपर अचानक से बढ़िया लगा, अब शुरू में 3-4 सवाल किसी के मुश्किल आए तो बच्चा वैसे ही प्रेशर में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए या लेवल उठ जाए तो बच्चे पेपर में काम कैसे रहें, शांत मन से कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, क्या स्ट्रेटजी उनको बना के रखनी चाहिए? ये स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट से बनेगी? सर मॉक टेस्ट से भी बनेगी, मॉक टेस्ट में भी अलग अलग लेवल होता है, पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आपने मेहनत करी है तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हाँ, आप पेपर में बैठे हो, आपका टफ क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेनी है, उसे स्किप कर दो, स्किप कर दे, उसे स्किप कर दो जल्दी से जल्दी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ के समझ में आया कि हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि यार कर तो मैं दूंगा पर कितना टाइम लगेगा, तो उसे वहाँ पे स्किप कर दो। वो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसे स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। जैसे आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है जब आपका ऐसा पेपर आ जाता है, क्योंकि इस बार बच्चों ने शायद मैथ्स की तैयारी छोड़ दी थी करनी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछली बार लोगों के 90 में से 90 बहुत लोगों के, बहुत लोग थे, बहुत लोग जिसने पिछली बार तैयारी करी थी, तैयारी नहीं करी थी, वो सब बराबर थे। तो इस बारी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बच्चे वहाँ पे फंबल कर गए थोड़ा सा, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर वहाँ पे काम रह के या तो 10 सेकंड के लिए पेन छोड़ के गहरी सांस ले लो, उससे भी बहुत हेल्प होता है, एंग्जाइटी में मतलब रिलीफ मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, पर ये मानना चाहिए भाई मैंने पढ़ रखा है, मेरे को कोई नहीं ला सकता, ये अगर आपकी थिंकिंग है तो अगर थोड़ा सा भी टफ पेपर आता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, ये पहले से ही प्लानिंग थी दिमाग में कि जैसे पेपर सेक्शन फर्स्ट ओपन होगा तो पहले मैं मैथ सॉल्व करूंगा, फिर रीजनिंग सॉल्व करूंगा।
मैं मैथ्स ही करता हूँ हमेशा हमेशा से। हाँ मतलब मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप पेपर देने जाओ तो मॉक टेस्ट देते देते हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग 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 होता है। हाँ। आप अपना जो है जो भी आपको सुटेबल लगता हो कि पेपर में आते ही मैं सीधा रीजनिंग पर अटैक करूँगा, क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उसको करने में आप थोड़ा पीस महसूस करते हो अपने दिमाग में, तो वो चीज़ पहले से सेट करके जाओ दिमाग में। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाकर प्लानिंग बना रहे हो चलो आज ये रीजनिंग पकड़ते हैं ये मैथ्स पकड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना आपको यूट्यूब पे सर्च करनी चाहिए, ना किसी सिलेक्टेड बंदे से पूछनी चाहिए, ना आपको टीचर से पूछनी चाहिए, वो चीज़ बच्चा खुद ही तैयार करता है, वही सबसे बेस्ट होती है। अच्छा जैसे आपका रैंक 2 आया तो बहुत सारे या कुछ बच्चे आपसे जो मिलने वाले होंगे या मैसेज भी करते होंगे कि भैया 6 महीने में कैसे तैयारी करें या बिना पढ़े सिलेक्शन कैसे लें, ऐसी कौन सी गोली है जो हमारा SSC निकलवा देगी, तो क्या सलाह है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? सर मैं सजेस्ट करूँगा कि मेहनत नंबर 1 है। हाँ लक भी थोड़ा सा फैक्टर करता है, लक मैटर करता है, लक मैटर करता है, लक आल्सो मैटर। आप ये सोचो कि मेहनत के दम पे हम दुनिया जीत लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर सर वही है, बिना मेहनत के तो लक भी क्या ही करेगा, बिना मेहनत के तो लक भी काम नहीं करता, लक भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेहनत करो अपना, मतलब अगर लगे हो तो शिद्दत से लगो। हाँ फिर डिस्ट्रैक्शंस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको डिस्ट्रैक्शन हुए थे? सर बीच बीच में बोर हो जाते थे तो मैं खेलने चला जाता था। मेरे लिए एक तरीके से मानो स्पोर्ट्स ये है कि मेरा मतलब टेंशन खत्म हो जाती है, मेरी बीमारी भी खत्म हो जाती है, मेरे को अगर कुछ पेन है शरीर में मैं खेलने जाऊंगा मेरे वो भी खत्म हो जाएगा, घर पे आके चाहे हो जाए वापस फिर से। हाँ पर मेरे को वहाँ पे मतलब रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, पेपर हो रहा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अपना खेलो मजे से। तो सबका वो अपना अलग अलग चीज़ होती है कि उन्हें किस चीज़ में रिलैक्स होते हैं वो। तो एक आपने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यस सर। और एक आपका कि कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होनी चाहिए। हॉबी होनी चाहिए सर, जिम कर सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। कई लोग पबजी खेलते हैं पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप मॉक भी स्क्रीन पे दे रहे हो तो स्क्रीन से भी थोड़ा सा अगर थोड़ी सी देर दूर रहें तो अच्छा है। जब तैयारी के दौरान ना 1-1.5 साल जैसे तैयारी हो गया, 2 साल तक बच्चे रूम में बंद हो जाएंगे, किसी से फ़ोन नहीं करेंगे, किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट नहीं, किसी दोस्त से कांटेक्ट नहीं, रूम से बाहर नहीं निकलना, धूप में भी नहीं जाना और हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बच्चे ने इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्या चीज़ सही है या इन्जॉयमेंट के साथ साथ भी तैयारी करी जा सकती है? सर इन्जॉयमेंट के साथ ही करनी चाहिए मेरा ये मानना है। आप मंथली एक मूवी भी देखने जाओ, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम प्रिपरेशन में रहोगे ना तो वो ही चलता रहेगा दिमाग में और उससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कई लोग चले जाते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त का नहीं हुआ है, 4th अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ वो भी लखनऊ साइड का है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो मैं उसे कहता हूँ कि आ भाई खेलने वेलने आ, खेलता मेरे साथ। पर इस चीज़ में फैमिली भी बहुत मैटर करती है कि आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही है। फैमिली को भी ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर कि भाई बंदा अकेला घर पे है, यही बच्चे के साथ साथ फैमिली का भी एग्जाम, फैमिली का भी एग्जाम है, फैमिली का एग्जाम है पेशेंस रखने का कि वो बच्चे को, अगर वो फैमिली को दिखाई दे रहा है कि बच्चा ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, चलो उसका नसीब साथ नहीं दे रहा या कोई और कारण है, तो फैमिली का भी कहीं ना कहीं टेस्ट है कि अपने बच्चे को सपोर्ट करे। हाँ आपके घर वालों ने आपको पूरा सपोर्ट करा, पूरा सपोर्ट करा हमेशा, मतलब पापा ये कहते थे कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, हम है ना, तू अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई पूरे मन से कर, पढ़ाई आधे मन से नहीं करनी, चाहे दिन में तू 4 घंटे पढ़ कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पर वो 4 घंटे ऐसे पढ़ने हैं कि 8 घंटे के बराबर हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा MEA के बाद अगर आपको सपोज भगवान अब तो हो गया, अगर आपकी रैंक थोड़ी कम होती तो आपकी सेकंड चॉइस कौन सी होती? CSS थी सर। CSS? Yes, sir. ASN, CSS? Yes, sir. Okay. ऐसा क्या है CSS में? सर एक तो मिनिस्ट्रीज हैं काफी सारी, तो अच्छी जॉब है मिनिस्ट्री में, और वो भी दिल्ली में ही, वो भी दिल्ली में ही है। मेन फैक्टर यही था क्योंकि मैं GST इनकम टैक्स भी, जैसे अगर बाय चांस जैसे लोगों की रैंक ज्यादा भी हुई है, रैंक आई की रैंक मित्रा से किसी की 30-40 थी उसकी 100-200 भी गई है, तो बाय चांस मैं वो GST भर देता और बाय चांस दिल्ली नहीं मिलता, तो एक तरीके से थोड़ी सी निराशा होती। हाँ क्योंकि घर से दूर जाने का थोड़ा सा होता है, घर वालों को ज्यादा दिक्कत होती है, हम तो चलो यंग है हम चले जाएंगे, घर वालों को ज्यादा, घर वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी कौन सी 3 एडवाइस हैं सेल्फ स्टडी के दौरान जो आपने सीखी और आप ही की तरह जो अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से है जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहता है उसको आप देना चाहोगे? सर एक तो हॉबी, कोई भी हॉबी लो,
उसे भी अच्छे से करो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा ना हो कि इस हॉबी में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो आप, डेली वन वन एंड आवर उसमें माइंड फ्रेश भी होगा, उसमें माइंड फ्रेश होगा, आप रिफ्रेश हो जाओगे कि बिल्कुल मतलब जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप भूल जाओगे। फिर सेकेंड है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना है, जितने जल्दी उठोगे दिन उतना लंबा हो जाता है। ऐसा नहीं अलार्म लगाए 7 बजे का, 5 बार वो अलार्म बंद कर दिया, 8:30 बजे आप उठे हो, वो अब करता हूँ मैं। हाँ और सर, और तो मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि जो भी सोर्स आप ले रहे हो उस पर भरोसा करो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा करके उससे तैयारी करो, क्योंकि लोग आधी प्रिपरेशन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ से मजा नहीं आ रहा, लोगों को किक चाहिए, किक चाहिए लोगों को, किक चाहिए लोगों को, कंपटीशन में कोई किक नहीं है, नहीं कंपटीशन में मेहनत है, मेहनत है, हाँ जी तोड़ मेहनत चाहिए एक तरीके से ये कह सकते हैं। शरफोश मूवी है उसमें वो कहता है ना कि मैंने जी तोड़ मेहनत करी है, तो वो चाहिए। कई लोगों की होती है किस्मत थोड़ी अच्छी होती है कि कम मेहनत में भी निकल जाता है, थोड़े गॉड गिफ्टेड लोग भी होते हैं, पर मेहनत, डिसिप्लिन और एक हॉबी, ये 3 चीज मैं रेकमेंड करूंगा। आप अलग से कोई योगा वगैरह भी करते थे? नहीं सर, ओनली आप बैडमिंटन खेल खेलने जाते? हाँ सर, आउटडोर ही, आउटडोर, आउटडोर। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रिंस त्यागी जी से बात करके, और अगर आपने इस कुछ वीडियो से सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सेल्फ स्टडी की टिप्स आपको इस वीडियो से जरूर मिली होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट करो, और प्रिंस जो है उसका खुद पर्सनल आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।